ब्रह्म कुमारी आश्रम आदर्श नगर जालंधर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक ब्रह्म बाबा के स्मृति दिवस के अवसर पर तपस्या का आयोजन किया गया, जिसमें आश्रम की आदरणीय दीदियों सहित सभी भाई बहनों ने भाग लिया। आज ही के दिन ब्रह्म बाबा इस साकार दुनिया को छोड़कर अव्यक्त हुए थे। इस समय से पूरा जनवरी महीना तपस्या माह के रूप में मनाया जाता है। ब्रह्म बाबा एक महान त्यागी, तपस्वी, तेजस्वी और दिव्य आत्मा थे, जिन्होंने विश्व शांति और विश्व कल्याण हेतु तथा विशेष तौर पर महिलाओं के सम्मान और उत्थान के लिए अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया। इस अवसर पर संस्था की संचालिका संधीरा दीदी, विजय दीदी, सिमरन, सुशीला, सुरेखा, डॉक्टर डोगरा, सुभाष गुप्ता, नरेश कुमार, राजकुमार, कमलेश, सुनीता, रमा ने ब्रह्म बाबा पर फूल मालाएं अर्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर संधीरा दीदी ने मेडिटेशन करवाकर पूरे विश्व में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आज 18 जनवरी का दिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विशेष यादगार दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे प्रजापिता ब्रह्मा, परमात्मा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके विश्व में शांति की स्थापना का विशेष कार्य किया। तो आज के दिन 1969 में 18 जनवरी को परमात्मा का जो साकार माध्यम था प्रजापिता ब्रह्मा ने अंतिम विदाई ली, अंतिम श्वास ली और परमात्मा का विशेष कार्य उनके माध्यम से चल रहा है। इसलिए ये आज का 18 जनवरी का दिन पूरे विश्व में शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओम शांति शांति।